फ्रेंड्स, डीएसआर फिन सॉल्यूशंस के बैंकिंग सॉल्यूशन चैनल में मैं सीए सौरभ आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सिबिल। जी दोस्तों, सिबिल आपके बारे में, आपने दोस्तों सिबिल के बारे में काफी सुना होगा, लेकिन शायद हमें सिबिल के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, इसलिए हम जानते भी नहीं कि सिबिल कितना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कितना इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड है जो कि हमारे डे टू डे लाइफ को इफेक्ट करता है। तो सिबिल को थोड़ा गहराई से समझते हैं कि सिबिल कैसे काम करता है, सिबिल का मतलब क्या होता है और सिबिल हमें कैसे इफेक्ट करता है। तो आइए दोस्तों एक डायग्राम के माध्यम से सिबिल को समझते हैं। दोस्तों सिबिल, अगर मैं एक सिंपल वर्ड्स में कहूं तो सिबिल कुछ भी नहीं है, एक डाटाबेस है, एक रिपोजिटरी है। डाटाबेस किसका? बैंकों का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, जहां पर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डाटा शेयर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, पूल करते हैं। किसका डाटा? हमारा डाटा, आम आदमी का डाटा, कॉमन मैन का डाटा। फ्रेंड्स, ये हम लोग हैं। हम लोग अगर किसी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, किसी फैसिलिटी को अप्लाई करते हैं, इवन क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं, तो वो लोग सबसे पहले सिबिल रन करते हैं और वो एप्लीकेशन जो हमने उसे दी है उसको सिबिल में अपडेट करते हैं। तो माना मिस्टर ए ने क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन सिटी बैंक को दी। दोस्तों जब भी कोई एप्लीकेशन जाती है कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सबसे पहले आपका सिबिल चेक करते हैं। सिबिल कहां से चेक करते हैं? जो मैंने अभी बताया, सिबिल एक डाटा बेस है, एक रिपोजिटरी है, वहां पर आपका डाटा सेव होता है। तो सबसे पहले सिटी बैंक क्या करेगा, उस डाटा से आपका रिकॉर्ड चेक करेगा कि इस बंदे के कहीं डिफॉल्ट तो नहीं है, कहीं लोन तो नहीं लिया हुआ, या क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल है या नहीं है। दोस्तों सिटी बैंक यहां से डाटा पुल करेगा, उसको एक रिपोर्ट मिल जाएगी जिसमें वो चेक कर पाएगा आपका डाटा, नेम, एड्रेस, आपके कितने क्रेडिट कार्ड है, कितनी क्रेडिट लिमिट है, कौन से पर्सनल लोन चल रहे हैं, कौन सी फैसिलिटी आपने ले रखी है, या कोई भी अदर फैसिलिटीज जो आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक से ली है, वो सारी की सारी सिबिल में रिफ्लेक्ट करेंगी। और ये हम आगे समझेंगे कि वो रिफ्लेक्ट कैसे करती है और उसमें बैंक क्या क्या देखता है। हम समझते हैं सिबिल रिपोर्ट क्या है। सिबिल रिपोर्ट एक फाइनेंशियल हेल्थ है, एक रिपोर्ट है जो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बैंकों को, आपको, सबको बताता है कि आपकी हेल्थ का स्कोर ये है और आपके फाइनेंशियल हेल्थ में ये प्रॉब्लम चल रही है। दोस्तों सिबिल रिपोर्ट दो प्रकार की होती है, नंबर एक इंडिविजुअल सिबिल, नंबर दो कमर्शियल सिबिल। फ्रेंड्स, इंडिविजुअल सिबिल हम लोगों का सिबिल होता है एज ए इंडिविजुअल जो हम अप्लाई करते हैं और सिबिल से रिट्रीव कराते हैं। इंडिविजुअल सिबिल में मैं अप्लाई करूं, कोई पर्सन अदर अप्लाई करे, वो इंडिविजुअल सिबिल कहलाता है। कॉमर्शियल सिबिल हमारे कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकती है, प्रोप्राइटरशिप फर्म हो सकती है, वो कमर्शियल सिबिल में आती है। इंडिविजुअल सिबिल के लिए हमें कुछ 500 रुपए के आसपास पे करना होता है और कमर्शियल सिबिल के लिए थोड़ा ज्यादा 3000 रुपए के आसपास पे करना होता है। फ्रेंड्स, सिबिल रिपोर्ट में जो मैंने अभी पहले आपको 5 चीजें बताई थी, वही 5 चीजें हम सिबिल रिपोर्ट में देखते हैं। नंबर एक सिबिल स्कोर, नंबर दो ओवरड्यूज, नंबर तीन सेटलमेंट्स, नंबर चार इंक्वायरीज, नंबर पांच डिविडेंड्स। फ्रेंड्स, एक एक करके डिटेल में अब हम समझते हैं कि इन पांचों टर्मिनोलॉजी का सिबिल रिपोर्ट में क्या मतलब है। दोस्तों सबसे पहले हम स्कोर समझते हैं। दोस्तों आपने सुना होगा और आप मीडिया पर आजकल देख भी रहे होंगे कि चेक योर सिबिल स्कोर, चेक योर सिबिल स्कोर, स्कोर फ्री। फ्रेंड्स, ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस भी है और मैंने डे टू डे लाइफ में अपना देखा भी है कि 99.99% इंडिया में लोग सिबिल स्कोर के बारे में अवेयर है ही नहीं कि उनका सिबिल स्कोर क्या है। वो सीधे बैंक में जाते हैं, फैसिलिटी अप्लाई करते हैं, उनका बैंक ये कहता है कि आपका सिबिल खराब है, तो अपने समझ में आता है कि मेरा कोई सिबिल खराब हुआ है, मुझे नहीं पता क्यों खराब हुआ है। तो दोस्तों थोड़ा हम सिबिल स्कोर के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों सिबिल स्कोर एक रेंज में फॉल करता है जो जिसका स्कोर मिनिमम 300 होता है,
मैक्सिमम 900 होता है। दोस्तों मैंने जितने भी आज तक सिविल देखे हैं 900 सिविल स्कोर किसी का भी नहीं देखा है। जनरली जो स्कोर बैंकिंग इंडस्ट्री में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्री में बेस्ट माना जाता है वो 740-750। अगर फ्रेंड्स आपका स्कोर 740 और 750 है तो बिलीव मी आपका स्कोर अच्छा है, आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, आपका सिविल ठीक मेंटेन हो रहा है। फ्रेंड्स अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारा सिविल स्कोर ऊपर नीचे कैसे होता रहता है। किसी का स्कोर 600 मिलेगा, किसी का 700 मिलेगा, किसी का 800 मिलेगा, किसी का 850 मिलेगा, ये ऊपर नीचे कैसे चलता रहता है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं दो तरह की फैसिलिटी होती है, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ सिक्योर्ड लोन क्या होता है और अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है। सिक्योर्ड लोन दोस्तों अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो एक कार लोन हम सिक्योर्ड लोन कह सकते हैं, क्योंकि उसके अगेंस्ट एक कार को ईयरमार्क किया गया है बैंक के द्वारा कि कल को अगर आपने कोई ईएमआई नहीं दी या आपने प्रिंसिपल नहीं दिया तो बैंक वाले आएंगे और आपकी कार उठाकर ले जाएंगे। दैट इज योर सिक्योर्ड फैसिलिटी। और फ्रेंड्स अनसिक्योर्ड फैसिलिटी क्या होती है, अनसिक्योर्ड फैसिलिटी लाइक योर क्रेडिट कार्ड, जिसके अगेंस्ट बैंक के पास कुछ भी नहीं है सिक्योरिटी के तौर पर। अगर आपने कल को डिफॉल्ट कर दिया तो बैंक कुछ भी नहीं कर सकता। फ्रेंड्स जितनी आप अनसिक्योर्ड फैसिलिटी उठाएंगे उतना ही आपका क्रेडिट स्कोर डाउन होगा। जी हाँ दोस्तों अगर आपने अनसिक्योर्ड फैसिलिटी उठाई है, सपोज कीजिए आपने 5 क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है अलग अलग बैंकों में, आपका क्रेडिट स्कोर डाउन होगा। सेकेंडली अगर आपने आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट ऑलमोस्ट फुल यूज की है और रेगुलरली फुल यूज की है तो भी आपका क्रेडिट स्कोर इफेक्ट होगा। फ्रेंड्स ये तो एक जनरल फिनोमिना था जिससे आपका स्कोर का मूवमेंट होता है कि वो ज्यादा और कम होता रहता है। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपके सिविल को इफेक्ट करते हैं, लाइक आपने कोई पर्सनल लोन लिया है उसमें कोई डिफॉल्ट किया है, उसका प्रिंसिपल नहीं दिया है, उसका इंटरेस्ट टाइम पर नहीं भरा है, तो भी आपका सिविल स्कोर बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा। फ्रेंड्स सिविल स्कोर को मेंटेन करने के लिए कुछ नहीं करना होता, केवल थोड़ा सा अपनी फाइनेंशियल हेल्थ पर ध्यान देना होगा और डिसिप्लिन लाना होगा अपने अंदर कि हमारी फाइनेंशियल डिसिप्लिन अपने अंदर आ जाए और कोई भी ओवरड्यू या कोई भी ओवरलैपिंग ना हो और हम इस तरह का कुछ भी काम ना करें जिससे हमारा क्रेडिट स्कोर अफेक्ट हो। फ्रेंड्स मैंने ये भी देखा है कि कोई व्यक्ति कोई अगर पर्सनल लोन अप्लाई करता है तो 5 इंस्टीट्यूशंस में अलग अलग जगह अपनी फाइलें लगा देता है। दोस्तों ये भी आपके सिविल स्कोर को अफेक्ट करता है। मान लीजिए 5 लोगों ने 5 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपका सिविल रन किया तो आपका सिविल अफेक्ट होगा, स्कोर अफेक्ट होगा। तो डियर फ्रेंड्स ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अपने सिविल की फाइनेंशियल अपने सिविल का स्कोर देखते रहें, उसको वॉच करते रहें कि ऊपर नीचे कुछ ऐसा तो नहीं हुआ है। कई बार ऐसा हो जाता है कि बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से गलती हो जाती है और आपका सिविल स्कोर अफेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि सिविल स्कोर पीरियोडिकली अपने रिपोर्ट निकलवाते रहें, कुछ नहीं करना होता दोस्तों। सिविल की वेबसाइट पर जाइए और वहां से 300-400 रुपए पे करके ऑनलाइन आप सिविल रिपोर्ट 3 वर्किंग डेज में ले सकते हैं ऑनलाइन, बड़ा ही इजी है। तो अब हम आते हैं सिविल रिपोर्ट के दूसरे चरण पर, ओवरड्यू। दोस्तों ओवरड्यू से आप क्या समझते हैं, ओवरड्यू का मतलब होता है कि आपने कोई बैंक से लोन लिया है, कोई फैसिलिटी ली है, वो टाइम से पेमेंट नहीं किया है, उसमें कोई ओवरड्यू चल रहा है, कुछ बकाया बाकी है, ओवरड्यू डेट चल रही है, जिसे बैंक को आपसे लेना है उसे कहते हैं ओवरड्यू। अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं कि सिविल रिपोर्ट में आपको किस तरह से रिफ्लेक्ट होता है, एक क्रेडिट कार्ड का एग्जांपल लेता हूं मैं, तो इस तरह से आपको वहां पर रिफ्लेक्ट होगा कि क्रेडिट कार्ड इश्यू डेट आपकी आएगी
क्रेडिट कार्ड लिमिट आएगी, क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन आपका आएगा, क्रेडिट कार्ड पेमेंट डेट आपकी आएगी। और दोस्तों अगर आपने क्रेडिट कार्ड का भुगतान टाइम से नहीं किया है तो एक कॉलम यहां पर ऐड हो जाता है ओवरड्यू। यहां पर आपकी पूरी अमाउंट आ जाएगी कि ओवरड्यू अमाउंट कितनी है। और फ्रेंड्स बिलीव मी, अगर यहां पर ओवरड्यू अमाउंट आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है, मान लीजिए 1,00,000 रुपए रिफ्लेक्ट हो रही है, तो आपका सिविल स्कोर ड्रास्टिकली डाउन हुआ। और फ्रेंड्स आपका सिविल स्कोर डाउन होने का मतलब यह है कि अगर फ्यूचर में आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, फ्रेश अप्लाई करते हैं, तो आपको दिक्कत होगी। एग्जिस्टिंग लोन चल रहे हैं, एग्जिस्टिंग सिविल क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं, तो भी आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। फ्रेंड्स अब हम तीसरे चरण पर आते हैं, सेटलमेंट सिविल रिपोर्ट में। ओवरड्यू में हमने समझा कि ओवरड्यू कैसे हमारे सिविल स्कोर को इफेक्ट आ सकता है, सिविल रिपोर्ट में कैसे रिफ्लेक्ट होता है, ऐसे ही हम समझते हैं सेटलमेंट। दोस्तों सेटलमेंट क्या है? सेटलमेंट का मतलब हम लोग इस तरह से लेते हैं। सपोज कीजिए आपको बैंक को 1,00,000 रुपए पेमेंट करना है क्रेडिट कार्ड का, और आपने ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं किया है, बैंक ने इंटरेस्ट पेनल्टी लगाकर उसको 2,00,000 रुपए बना दिया है, और आप 2,00,000 रुपए पे करने के लिए एग्री नहीं है, तो बैंक क्या करते हैं, आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी वेव कर देते हैं और आपसे सेटल कर लेते हैं कि आप पेमेंट कर दीजिए और हमें 1,00,000 रुपए पे कर दीजिए, जो आपका प्रिंसिपल है। फ्रेंड्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस सेटलमेंट में कभी ना जाएं। रीजन भी आपका ओवरड्यू खत्म हो जाएगा सिविल रिपोर्ट से, आपकी सिविल रिपोर्ट ठीक हो जाएगी, लेकिन वहां पर एक वर्ड ऐड हो जाएगा जिस वर्ड का नाम है सेटलमेंट। और रेगुलरली ये आपकी सिविल रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होता रहेगा, और सभी बैंक आप जब भी सिविल रन करेंगे आपसे हमेशा पूछेंगे कि इस सेटलमेंट में क्या हुआ था, और आप हमेशा परेशान होंगे और जवाब देते फिरेंगे कि इस सेटलमेंट में बैंक की गलती थी, मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरी गलती थी, बैंक की नहीं थी, और ये लड़ाई हमेशा चलती रही। रिपोर्ट के चौथे चरण पर जिसका नाम है इंक्वायरीज। जी फ्रेंड्स जब आप अपनी सिविल रिपोर्ट मंगाएंगे तो आप देखेंगे एक पेज उसमें अटैच होगा जिसमें सारी इंक्वायरी आपकी रिफ्लेक्ट होगी। फ्रेंड्स इंक्वायरी क्या होती है? सपोज कीजिए आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, तो सिटी बैंक के पास अप्लाई किया, एग्जांपल लेते हैं, तो सिटी बैंक जब आपकी सिविल रिपोर्ट निकालेगा तो यहां पर एक इंक्वायरी ऐड हो जाएगी कि सिटी बैंक ने इस डेट को इंक्वायरी की है। दोस्तों इस इंक्वायरी का सिविल रिपोर्ट में बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। जब भी आप कोई भी इंक्वायरी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक करता है तो आपका सिविल स्कोर अफेक्ट होता है। और दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अगर आपने किसी फैसिलिटी के लिए, जैसे कि हम लोग करते हैं नेचुरली कि 4-5 जगह फाइल दे देते हैं, तो 4-5 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स सिविल रिपोर्ट आपकी सबसे पहले रन करते हैं और आपका सिविल स्कोर हिट होता जाता है। और फिर आप कहते हैं कि मैंने तो कोई इतनी फैसिलिटी ली ही नहीं कि सिविल स्कोर मेरा कम हो गया है। फ्रेंड्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको जेन्युइनली कहीं पे जरूरत है लोन की और आपको लग रहा है कि मुझे इस बैंक से लेना है, तो आप सिंगल बैंक में ही अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों अब हम आते हैं पांचवें चरण पर, डीपीडीज, जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पांचवा चरण है सिविल रिपोर्ट का, और हमें समझना भी बहुत जरूरी है कि ये डीपीडी हमें किस तरह से अफेक्ट करती है। फ्रेंड्स डीपीडीज का मतलब होता है डेट पास्ट ड्यूज। मींस सपोज कीजिए फ्रेंड्स
आपके क्रेडिट कार्ड की जो ड्यू डेट है वो ड्यू डेट है 10 मार्च 2017। आप इस दिन पेमेंट करना क्रेडिट कार्ड का भूल गए या आपने इंटेंशनली पे नहीं किया और इसका पेमेंट आप 15 तारीख को करते हैं, तो दोस्तों जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक्स आपसे इंटरेस्ट लेगा पेनल्टी लेगा वो तो डिफरेंट है। जो आपके सिविल रिपोर्ट पर इंपैक्ट आएगा वो इंपैक्ट आएगा डीपीडीज डेज पास ड्यू, वहां पर एक सिविल रिपोर्ट में कॉलम आते हैं डीपीडीज और वहां पर आपके 5 दिन डिले पेमेंट शो होंगे। फ्रेंड्स 5 दिन यहां का मतलब होता है कि अगर आपने साल में 4-5 बार ऐसे ही कोई डिले कर दिया तो आप यहाँ पर डीपीडी कंटिन्यूस रिफ्लेक्ट होते रहेंगे। और सपोज कीजिए कि आप पेमेंट करते ही नहीं है, रेगुलर चलता रहता है, सपोज कीजिए 300 दिन के लिए हुआ तो 300 दिन की डीपीडी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मेरी एक पर्सनल एडवाइस है आपको फ्रेंड्स, अगर आपका कोई क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू है, सपोज कीजिए 10 मार्च को है और आपका फाइनेंशियल प्लानिंग थोड़ी ढीली हुई है और आप पेमेंट ड्यू डेट पर नहीं कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट जो होती है उसमें एक मिनिमम ड्यू अमाउंट होती है, उसको पेमेंट जरूर कीजिए। उससे फ्रेंड्स क्या फायदा होगा, मिनिमम अमाउंट एक तो बहुत कम होती है जिसे आप इजीली पे कर पाएंगे, उससे फायदा आपका यह होगा कि आपका सिविल स्कोर हिट नहीं होगा, आपको केवल पेनल्टी और इंटरेस्ट बैंक को देकर आपका पीछा छूट जाएगा और सिविल रिपोर्ट आपकी क्लीन रहेगी। हम आते हैं दूसरे चरण पर सिविल के, कमर्शियल सिविल। दोस्तों मैंने अभी तक की वीडियो में कमर्शियल सिविल पर ज्यादा एम्फेसिस किया ही नहीं क्योंकि कमर्शियल लेवल पर लोग अवेयर होते हैं सिविल को लेकर, लेकिन फ्रेंड्स बिलीव मी इंडिविजुअल सिविल और कमर्शियल सिविल दोनों इंटरकनेक्टेड हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब भी कोई आपकी कंपनी फर्म या प्रोप्राइटरशिप फर्म फैसिलिटी के लिए अप्लाई करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बैंक में, तो आपके दोनों ही सिविल रन होते हैं, इंडिविजुअल डायरेक्टर्स पार्टनर्स और देन कमर्शियल सिविल आपकी फर्म और कंपनी। फ्रेंड्स कमर्शियल सिविल समझते हुए हमें यह भी समझना होगा कि एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया आरबीआई ने SMA स्पेशल मेंशन अकाउंट, स्पेशल मेंशन अकाउंट जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है जिसकी चर्चा हम अपनी दूसरी वीडियो में करेंगे जो कि आप बहुत जल्द देखेंगे। अब हम कमर्शियल सिविल से संबंधित कुछ चीजें समझ लेते हैं। दोस्तों हमने 5 चीजें इंडिविजुअल सिविल में समझी, वो ही चीजें कमर्शियल सिविल पर अप्लाई हो जाती हैं। हमने वहां पर क्रेडिट कार्ड का एग्जांपल लिया इंडिविजुअल सिविल करते हुए। कमर्शियल सिविल में जनरली फैसिलिटी क्रेडिट कार्ड की हो सकती है, लेकिन फैसिलिटी जो जनरली उसमें होती है कमर्शियल सिविल में वो कैश क्रेडिट लिमिट, ओडी लिमिट, टर्म लोन, बैंक गारंटी एक्सेट्रा जो कि हमारे बिजनेस में डे टू डे रिक्वायरमेंट होती है, वो फैसिलिटी आपकी कमर्शियल सिविल में अफेक्ट करती है। कमर्शियल सिविल में सभी डायरेक्टर्स का डाटा, एड्रेस, नेम, कौन कौन डायरेक्टर है, क्या इनकॉर्पोरेशन डेट थी, क्या पैन नंबर है, क्या क्या फैसिलिटी उन्होंने ली हुई है और मंथली उसका क्या स्टेटस है। अगर सपोज कीजिए आपकी कोई फैसिलिटी कैश क्रेडिट फैसिलिटी NPA हो जाती है तो वो कमर्शियल सिविल में सब स्टैंडर्ड के नाम से शो होगा और सिविल रिपोर्ट में मंथ ऑन मंथ आप देखेंगे वहां पर लिखा होता है ये फैसिलिटी जनवरी में स्टैंडर्ड, फरवरी में स्टैंडर्ड, मार्च में स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड और जिस मंथ में वो एनपी हो जाती है वहां पर सब स्टैंडर्ड होता है। आपने कोई टर्म लोन की इंस्टॉलमेंट टाइम से पे नहीं की है, जैसे कि मैंने बताया था इंडिविजुअल सिविल करते हुए आपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट टाइम से नहीं किया है, ऐसे यहाँ पर टर्म लोन का अगर आपने पेमेंट टाइम से नहीं किया है
तो आपका सिविल रिफ्लेक्ट होगा और यहाँ पर भी डीपीडीज कॉन्सेप्ट लगेगा, ओवरड्यू कॉन्सेप्ट लगेगा, सेटलमेंट कॉन्सेप्ट लगेगा। आई होप दोस्तों आपको ये सिविल का कॉन्सेप्ट आज क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। बिलीव मी फ्रेंड्स, आप सिविल को थोड़ा सीरियसली मॉनिटर कीजिए क्योंकि ये हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमें डे टू डे फाइनेंशियल नीड होती है और हम बैंकों के पास हमेशा जाते रहते हैं, लेकिन हम लोग अवेयर होते ही नहीं कि कुछ सिविल भी हमें देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स प्लीज इन्वेस्ट कीजिए थोड़ा पैसा, आप निकालिए वहां से अपनी रिपोर्ट और पीरियोडिकली हाफ ईयरली ईयरली एक फाइल में लगाते जाइए कि आपका क्रेडिट स्कोर की क्या मूवमेंट चल रही है, स्कोर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दोस्तों एक क्वेश्चन और आपको माइंड में आएगा कि मैंने तो आज तक कोई लोन लिया ही नहीं, मैंने कोई फैसिलिटी ली ही नहीं, तो मेरा सिविल में क्या आएगा। फ्रेंड्स अगर आपने कभी भी कोई फैसिलिटी नहीं ली है, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है, तो सिविल डाटाबेस में आपका डाटा होगा ही नहीं और वहां पर इनसफिशियंट हिस्ट्री होगी आपकी, क्योंकि कोई हिस्ट्री है ही नहीं तो वहां पर रिफ्लेक्ट होगी नहीं। अगर फ्रेंड्स आपकी एज मैं एग्जांपल लेता हूँ 40 इयर्स है और आज आप कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, कोई फैसिलिटी अप्लाई कर रहे हैं बैंक में, तो बिलीव मी बैंक आपकी एज और सिविल का इनसफिशियंट हिस्ट्री देखते हुए देने में फैसिलिटी आपको हिचकिचाएंगे। फ्रेंड्स क्रेडिट हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे लाइफ में, क्रेडिट हिस्ट्री हमारी होनी चाहिए। 40 इयर्स की एज में अगर बैंक में आप अप्लाई कर रहे हैं, दैट मींस कि आपको कभी बैंकों से कोई फैसिलिटी ली ही नहीं, कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं। फ्रेंड्स अपनी क्रेडिट हिस्ट्री जरूर देखें और एक क्रेडिट हिस्ट्री अपनी क्रिएट कराएं, क्योंकि पता नहीं कब लाइफ में हमें फ्रेंड्स की जरूरत पड़ जाती है। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।